हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो फाइनली आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। तो आपके सामने आज एक टोयोटा की सेक्वा लाया हूँ, 2014 का मॉडल है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो सबसे पहले प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, पहले इग्निशन ऑन कर रहा हूँ मैं, इग्निशन ऑन हो चुका। ये जो क्रूज सिस्टम का बटन देख पा रहे हैं, ये वाली बटन, ये बटन यहाँ से ब्लर ऑफ कर देता हूँ। क्रूज सिस्टम का जो बटन देख रहे हैं, यहाँ से ऑन कर रहा हूँ, मीटर में कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, देख पा रहे हैं, कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है। यहाँ से ऑन ऑफ कैंसिल वगैरह कर रहा हूँ, कुछ रिस्पांस दे ही नहीं रहा है। तो मैं इसका क्लॉक रिंग जो है ना, इसका जो कनेक्शन दिया हुआ रहता है ना, क्लॉक रिंग से दिया हुआ था, तो उसका क्लॉक रिंग रिप्लेस करने वाला हूँ। तो क्लॉक रिंग रिप्लेस करने के लिए मेरे को ये एयरबैग निकालना पड़ेगा, स्टेयरिंग बाहर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एयरबैग जो इसका दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं, यहाँ से बोल्ट है, दो बोल्ट दिया रहेगा। तो मैं इसको खोलता हूँ, सबसे पहले एयरबैग निकालता हूँ। तो इधर का ऊपर का कवर निकाल दिया, वैसे सेम क्रूज बटन के पास बाजू में दिया है ये वाला कवर, खोल दिया हूँ। इसके अंदर एक एलिंकी रहेगी, ये वाली एलिंकी। तो ये एलिंकी दोनों साइड का खोलता हूँ और एयरबैग बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली ये बाजू का एलिंकी अपना खुल चुका, ये साइड से ऊपर आ गया। अब ये बाजू का खोलना है अपने को। तो ये बाजू का भी देख पा रहे हैं, ये खोलता हूँ मैं। तो फाइनली दोनों एलिंकी खुलने के बाद ये अपना एयरबैग बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से इसका ये दिया हुआ है, ये सॉकेट निकाल लेता हूँ मैं। ये दो एयरबैग का सॉकेट है और दो, एक ये वाले बाइट बटन सिस्टम का और एक ये वाली, और ये क्रूज सिस्टम वाला बटन दिया है इसमें। तो चलो निकालता हूँ दोनों में। तो फाइनली अपना एयरबैग का दोनों सॉकेट निकाल दिया हूँ। अब मेरे को ये वाला बोल्ट खोलना है, स्टीयरिंग बाहर लेना है। तो चलो ये सब निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये 19 का बॉक्स पान बॉक्स बोल्ट है, ये 19 का बोल्ट खोलने के बाद स्टीयरिंग आप सीधा कर देना, सीधा जैसे मैं रखा हूँ अभी। ये बोल्ट आप जब भी खोलें ना तो चाबी निकाल देना, ताकि स्टीयरिंग लॉक हो जाए, दूसरे को बुलाने की आदमी को पर ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद जो है ये सॉकेट दोनों निकाल दें, ये वाली और ये क्रूज कंट्रोल वाली निकाल दिया। अब ये स्टीयरिंग अपना बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं बाहर लेता हूँ, ज़रा ठोकना पड़ेगा मेरे को दोनों हाथ से, तो बाहर लेता हूँ। तो फाइनली इसको बाहर ले लिया हूँ, देख पा रहे हैं। तो चलो अब ये वाला पोर्शन खोलता हूँ मैं, दो स्क्रू दिया है, दोनों स्क्रू खोलता हूँ। तो फाइनली नीचे वाला खोल दिया हूँ, ये ऊपर वाला खोलने के लिए मेरे को चाबी लगाना पड़ेगा। स्टीयरिंग ऑटोमेटिक है, इधर जगह दे देगा। तो चलो अब ये रही क्लॉक रिंग अपना, सीधा स्टीयरिंग रखा हूँ मैं इसी पोजीशन में, मेरे को बैठाना है। तो चलो अब इसकी जो सॉकेट है एक यहाँ है, तो इसको बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली इसका क्लॉक रिंग लगा दिया हूँ, ये देख पा रहे हैं, निकाल दिया हूँ सॉरी। तो अब मैं इसका नया वाला क्लॉक रिंग दिखा देता हूँ आपको, ये रही न्यू क्लॉक रिंग। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ। तो फाइनली ये पुराना वाला का जो पीछे का इमोबिलाइजर सिस्टम जो दिया है ना, यहाँ पे जो बैठता है ये वाला चीज़ें, ये वाली, तो नए वाले में तो नहीं आएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था कि शायद ये सेम मॉडल का नहीं है। तो यही है मेड इन जापान, और बट ये ओरिजिनल नहीं है, मेड इन चाइना वाला है ये। तो इसका पुराने वाले का मेरे को इसमें लगाना पड़ेगा पर ये चीज़ें। तो ये फिट हो गया फाइनली। आप अगर इसको चेक भी करना चाहते हैं ना, तो कंटिन्यूटी से यानी मल्टीमीटर से अब जो क्रूज वाला सिस्टम दिया है ये वाली दो वायर में, तो यहाँ से कंटिन्यूटी लगा करके जो आउटपुट निकलता है इधर, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं इसको
चेक करके देख सकते हैं कि ख़राब है या नहीं। तो यहाँ से भी आपको चेक करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एक वायर का कंटिन्यूटी दिखाना पड़ता है, दिखना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉक रिंग घूमते घूमते ना अंदर की ये जो घिस जाती है ना, तो ये टूट जाता है, तो फिर उसके बाद ये काम करना छोड़ देता है। तो चलो फिर मैं नया वाला इंसर्ट करता हूँ इसमें, ये रही अपना न्यू वाला, जिस पोजीशन में खोले थे वही पोजीशन में आ जाएगा ये। तो चलो इसको मैं प्रेस करता हूँ और सब सॉकेटें लगाता हूँ। तो फाइनली सॉकेट वगैरह लगा दिया हूँ, और इसका जो आप काम करेंगे ना बहुत संभाल के करना, क्योंकि ये काफ़ी महंगी रहती है, ये रिंग जो रहता है ना काफ़ी महंगी रहती है। यहाँ पे इसका 700 रियाल्स है प्राइस इसका, 700 इंटू टू कर दो, 20 कर दो, 22 कर दो, कितना हो रहा है। तो इसको फाइनली संभाल के काम करने का रहता है, संभाल के काम करना इसका। और दूसरा चीज़ है, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आपको चीज़ें ताकि समझ में आए और अच्छी तरीके से आप मेरी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें इधर की गाड़ियों का किस तरीके से काम किया जाता है और क्या क्या चीज़ें फॉल्ट आती है, वो सब चीज़ें आप देखें बस, बाकी और कुछ नहीं। और मैं शॉर्ट वीडियो भी बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो में तरह तरह की गाड़ियाँ, जो गाड़ियों में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें, क्योंकि छोटा मोटा काम रहता है जिसमें, तो उसका तो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इस वजह से उसका शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाता हूँ मैं। तो उस वीडियो को, शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखें उसमें जा कर के कितने कितने कंपनियाँ रहती है, कितनी कंपनियों की गाड़ियों में मतलब काम कर चुका हूँ, वो चीज़ें भी आप देखें, वो गाड़ियाँ भी देखें, उसका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट का, एसी का, वो सब चीज़ें सजेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए अच्छी तरीके से, कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरीके से रहता है, इस वजह से, बाकी और कुछ नहीं। और आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करेंगे ना, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं सोचूंगा, मुझे लगेगा नहीं मेरी वीडियो को पब्लिक लाइक कर रहा है, तो मैं उस तरीके से फिर आगे नेक्स्ट लेवल में जो वीडियो बनाऊंगा तो फिर चीज़ों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बस यही है और कुछ नहीं। तो चलो फिर मैं इसका स्टेयरिंग पहले नीचे का कवर लगा देता हूँ, फिर स्टेयरिंग लगाता हूँ, लगा करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना ये भी फिट हो गया, स्क्रू लगा दिया हूँ। तो चलो अब इसके ऊपर स्टेयरिंग डालता हूँ मैं। स्टेयरिंग डालने से पहले ये वाली चीज़ है, ये जो लॉक दिया हुआ रहता है कंपनी से, क्योंकि ये स्टेट पोजीशन में क्लॉक रिंग जब भी आप नया डालें ना तो ये स्टेट पोजीशन में रहता है आकर के, कंपनी से ये जो लॉक दिया हुआ रहता है, तो आप स्टेट पोजीशन में रख करके ही इसको फिटिंग करें स्टेयरिंग को। ओके, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो रहती है ना स्टेयरिंग, अपना स्टेट पोजीशन में दिया हुआ रहता है, ये बाहर से जब कंपनी से मतलब ये बनती है जहाँ पर, तो वो स्टेयरिंग आपका स्टेट रहना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप इसको फिटिंग करेंगे। और आप जब खोलेंगे तो इसको स्टेट रख करके खोल देना, और फिटिंग करने टाइम स्टेट पोजीशन में फिटिंग कर देना इसको, आप नहीं कि इसको उल्टा सिल्टा बैठा देंगे, ऐसे बैठा दिया और स्टेयरिंग आपका वन साइड है, लेफ्ट साइड है, पूरा घुमा हुआ है, या फिर राइट साइड घुमा हुआ है, उस टाइम अगर फिटिंग कर देंगे फिर बाद में जब आप स्टेयरिंग सीधा करेंगे तो ये फट कन के लॉक टूट जाएगा, ये चीज़ें आप संभालना। तो चलो फिर मैं इसके ऊपर स्टेयरिंग डाल देता हूँ, ये लॉक निकाल देता हूँ। तो फाइनली स्टेयरिंग भी लगा दिया, बोल्ट लगाना बाकी है, सब सॉकेट लगा दिया हूँ। तो चलो फिर बोल्ट भी लगा देता हूँ इसका। तो फाइनली स्टेयरिंग का बोल्ट भी फिटिंग हो चुका अपना। अब ये दोनों सॉकेट लगा करके एयरबैग को मैं प्रेस कर देता हूँ। और इसमें देख पा रहे हैं एक रेड कलर की सॉकेट रेड कलर में बैठाना, और वाइट ब्लैक कलर की सॉकेट ब्लैक कलर में ही बैठाना। वैसे तो उल्टा सुल्टा बैठेगा नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि अपन अंदर ध्यान नहीं देते और पेलते जाते हैं इसको, ये सॉकेट वगैरह, तो उस चीज़ें ध्यान देना। तो चलो फाइनली इसको मैं फिट करता हूँ, फिटिंग करके एयरबैग को पूरा फिटिंग करके फिर देखता हूँ कि अपना क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलो फाइनली फिटिंग कर देता हूँ मैं। तो फाइनली अपना एयरबैग भी फिट हो गया, और इधर की एलिंग भी टाइट हो गई, एलिंग की, और इधर की भी एलिंग की टाइट हो चुकी। तो चलो इसके ऊपर का कवर मैं लगा देता हूँ दोनों साइड का जो निकाले थे। तो फाइनली सब फिट हो गया, सब कवर वगैरह सब लगा चुका हूँ मैं। तो चलो अब ज़रा मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, ये रही इग्निशन इसका, ऑन कर दिया और गाड़ी चालू कर लेता हूँ। चालू भी हो चुकी, देख पा रहा। तो सबसे पहले मैं क्रूज़ कंट्रोल वाला बटन ही दिखाता हूँ, ये दबा रहा हूँ, उधर अंदर लाइट आनी चाहिए, देख पा रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल का लाइट का बटन, लाइट आ रहा है, मतलब क्रूज़ कंट्रोल सेट हो चुका, सही हो चुका ये।
पहले ये भी बटन काम नहीं कर रहा था इधर का, इस साइड का, अभी काम करने लगा है। ये भी काम कर रहा है, साउंड सुनाई देता हूँ आपको। ये भी चल रहा है, ये भी अप डाउन चल रहा है, ये टेप का है। सब चलने लगा अभी, ये भी चल रहा है। Voice recognition is not available. Phone is not linked. ये भी चल रहा है, और आप स्टीयरिंग पूरा घुमा करके देख ले एक बार, चेक कर लें। चेक करने के बाद ये लास्ट पोजीशन में आके एक बार हॉर्न बजा लेना, सही चल रहा है, सही चल रहा है, सब सही है। तो फाइनली इसका सब, अब यहाँ से इसका कैंसिल बटन भी है, कैंसिल बटन से भी हो रहा है, सब ऑपरेट हो रहा है। तो फाइनली गाइस, मैं तो इलेक्ट्रिकल का वीडियो बहुत कम ही बनाता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का वीडियो कैसा रहता है कि उसमें कभी कभी छोटा काम रहता है और फॉल्ट ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से कभी बनाता हूँ, कभी मूड हो गया कि ये सोचता हूँ कि ये काम जल्दी होने वाला है तो उसका वीडियो बना लेता हूँ, बाकी और जल्दी देखता हूँ कि अपने खुद अपन हैरान रहते हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे, यही फंडा हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं। और यहाँ की कार आप ज़रूर देखें, ये देख पा रहे हैं इधर नाम लिखा हुआ है सेक्वा, गाड़ी का सेक्वा। तो बस यही है, और मैं एक सजेशन आपको कर रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो आप मेरा ज़रूर देखें। शॉर्ट वीडियो में काफ़ी सारी कंपनियों का गाड़ी में डाल रहा हूँ, काफ़ी सारी कंपनियों का वीडियो बना करके डाल रहा हूँ शॉर्ट वीडियो में। तो बस और कुछ नहीं, यही चाहता हूँ कि आप लोग जो चीज़ मैं सीख चुका हूँ वो चीज़ आप भी सीखें, आप भी देखें, आपको भी समझ में आए, बस और कुछ नहीं। इसका कंट्रोल पैनल भी देख लीजिए किस तरीके से दिया है, अभी ऑफ है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बस यहीं तक। और ये क्लॉकिंग का जो मैं, ये ख़राब होता है, होने का रीज़न भी एक बता देता हूँ, क्योंकि ये घूमता है हमेशा, स्टेयरिंग जो घुमाते हैं ना अपन, तो इसके साथ ये भी घूमता है, तो इसके अंदर बारीक बारीक सा ये लगा हुआ रहता है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है, तो वो घिसने के बाद ना ये कट जाता है, तो कटने की वजह से ये ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चलता है, कभी कभी एयरबैग की लाइट आने लगती है, या फिर कभी कभी ये क्रूज़ वाली सिस्टम में है, इसे वॉल्यूम बटन दिया हुआ रहता है, और इधर काफ़ी सारे मोड बटन दिया हुआ रहता है, सब बटन दिया हुआ रहता है, तो ये सब काम करना छोड़ देता है जब वो ख़राब होता है। तो इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये क्लॉक स्प्रिंग ख़राब हो चुका है, आपको डालना पड़ेगा। तो चलो फिर, इस ये वीडियो में इतना ही काफ़ी, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।